रिमेम्बर कल क्या हुआ था? जी आंटी, कैसे भूल सकती हूँ? रोज उस गुंडे यूं पीछे नहीं भागते। वो तो ठीक है, लेकिन एक और बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। कल जब उस गुंडे ने तुम्हारे अंकल पे अटैक किया ना, तब तुमने उस गुंडे का सामना किया, तुमने एक आदमी का सामना किया सिया, एक आदमी का सिया। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम मर्दों से डरती हो, लेकिन कल तुम बिल्कुल डरी नहीं। तुमने उस गुंडे का सामना किया जिसने बस में इतने लोगों को ढेर कर दिया था। इसका मतलब तुम अपने डर को जीत सकती हो। तू बिल्कुल सीता मैया जैसी है, बाहर से इतनी निर्मल लेकिन अंदर से इतनी ही स्ट्रॉन्ग कि कोई भी अग्नि परीक्षा पार कर सकती हो। आंटी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कल रात को ये हिम्मत तुम्हें कहां से आ गई। कैसा आदमी है ये? आने जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। शुक्र है मैं ठीक टाइम पे जा गई, वरना फिर मेरी बैंड बजती। साहब, आप आ गए? तुम मेरी बीवी हो? नहीं ना, शट अप। मुझ पे ध्यान कम और काम पे ध्यान ज्यादा। वैसे कैसे बात करूं मैं? कैसे बताऊं कि ये जिंदा है? गर्दन बच गई पर कंबक ने खिड़की पूरी तोड़ दी। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये पुलिस वाले भी किसी के सके नहीं होते, पैसे लेके छोड़ दिया होगा उस गुंडे। आइए, देखो, होगी तसल्ली? और अगर तसल्ली ना हुई हो तो एक डंडा लेके बाकी किसी से भी तोड़ दो, क्योंकि अब उस गुंडे ने तुम दोनों की वजह से घर तो देख ही लिया है और अब इस घर के शीशे तो रोज ही टूटेंगे। अब मुझे और कोई काम नहीं रह गया, अपने सारे काम छोड़ के तुम दोनों की हिफाजत करता रहूं। आज तक तुमने मेरी सुनी तो है नहीं, अपने मन की चलाई। बस एक काम अच्छा किया है तुमने जिंदगी में, मुझसे शादी कर ली। अब तुम्हारी सारी टेंशनें मेरी हैं। आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी वाकई ये फोन लौटाने आया था और इसीलिए शायद रिक्शे के पीछे भाग रहा था। नहीं बेटे, फोन लौटाने के लिए कोई मैराथन का रिकॉर्ड और खिड़कियां नहीं तोड़ता। वाकई में अगर ये फोन उसके हाथ लग गया होता ना, तो ये फोन हमें चोर बाजार से मिलता। अरे यही कहीं अंधेरे में से उठा लिया होगा और पुलिस से बचने के लिए उसने बहाना निकाला। सुनिए जी, आप बाहर जा रहे हो? हाँ। हम दोनों को दुकान पे ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ठीक है। अगर उसे पुलिस से बचना था तो
तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? सिया, सिया, सिया बेटे जल्दी चलो, तुम्हारे अंकल निकल ही रहे हैं, जल्दी आ जाओ। एमए का प्रोजेक्ट क्यों था जिस पर मुझे रिसर्च करनी थी, इसीलिए मुझे पापा ने कहा कि मैं ऑफिस का इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। माँ पापा लोग आए थे ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं है ना, शायद इसलिए ऐसे ही छोड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है? दिस इज व्हाट आई नीड। सिमरन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना और भूलना मत। तुम भूलने दो तब ना, 50 बार बोल चुकी हो सिमरन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। कर दूंगा। उस गुंडे के पास मेरा फोन आया कहाँ से? फोन आंटी ने मुझे शॉप से निकलते हुए दिया था, फिर मैंने उसे ऑटो में ऑन किया था। रास्ते में कहीं छूटा था क्या? अरे वो फल वाला, शायद उस फल वाले के ठेले पर छूट गया हो। यही पास में रहता ना, मुझे जाकर उस फल वाले से पता करना होगा कि मैंने कहीं मोबाइल वहीं तो नहीं छोड़ दिया था।